संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां देश को खोखला कर रही है। इस दौरान पीएम ने बीजेपी नेताओं को भी साफ संदेश दिया कि बीजेपी ने परिवारवाद नहीं उसमें चलेगा। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां देश को खोखला कर रही हैं। लोग बीजेपी के विचारों पर इसलिए मोहर लगाते हैं क्योंकि हम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए लखनऊ से टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दिया था। सांसदों और बीजेपी नेताओं का कड़ा संदेश देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी में पारिवारिक राजनीति की इजाजत नहीं दी जाएगी, अन्य पार्टियों में वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ा जाएगा। इसके लिए पहले अपनी पार्टी में वंशवाद से लड़ना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर किसी नेता, सांसद या उसके परिवार में किसी की उम्मीदवारी खारिज हुई है तो वह उनकी जिम्मेदारी है। तो पीएम मोदी का परिवारवाद पर प्रहार। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने ये बात कही जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं चलेगा, बीजेपी में नहीं चलेगा परिवारवाद, पीएम मोदी द्वारा ही कहा गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि परिवारवादियां पार्टी जो है वो देश को खोखला कर रही है, परिवारवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, देश को परिवारवाद से मुक्त कराना है। पीएम मोदी ने अपने बात में ये भी कहा और साथ ही साथ आगे कहा कि परिवारवाद से देश का बड़ा नुकसान होता है। पीएम मोदी ने बैठक को संबोधित किया और कहा कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म और बननी चाहिए। पहले कश्मीर का सच दबाया गया, कश्मीर फाइल से सच सामने आया है। बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा का सम्मान भी हुआ। वहीं आपको बता दें कि बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद और तमाम मंत्री समेत दोनों सदनों के सांसद भी मौजूद रहे। बैठक में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई, यूक्रेन में मारे गए भारतीयों को भी श्रद्धांजलि दी गई है। तो पीएम मोदी का परिवारवाद को लेकर के एक कड़ा प्रहार देखने को मिला जहां उन्होंने विपक्ष दल को यानी कि कांग्रेस पर पुख्ता तरीके से वार करते नजर आए। साथ ही साथ बीजेपी के भी तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं तक ये बात पहुंचाते नजर आए कि बीजेपी में वंशवाद या परिवारवाद बिल्कुल भी नहीं चलेगा। रीता बहुगुणा ने अपने बेटे के लिए लखनऊ से टिकट मांगा लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था और इसी के तहत बीजेपी द्वारा अब यही कही जा रही है और खासकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये बात कह दी गई है कि परिवारवाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ देश को परिवारवाद से मुक्त कराना है, पीएम मोदी ये भी कहते नजर आए, परिवारवाद से देश को बड़ा नुकसान होता है। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए सारी बातें कही कि परिवारवाद से देश को नुकसान होता है। इसके साथ कश्मीर फाइल्स पर भी कभी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी और भी फिल्में बननी चाहिए, कश्मीर फाइल से सच सामने आया है और इस तरह की फिल्में और बननी चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री कहते नजर आए। साथ ही साथ आपको बता दें कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा का सम्मान भी किया गया, तमाम मंत्री समेत दोनों सदनों के सांसद भी वहां मौजूद रहे, गृहमंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद थे। पहले बैठक में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई, उसके बाद यूक्रेन में मारे गए भारतीयों को भी श्रद्धांजलि दी गई। तो पूरे बैठक में काफी बिंदुओं पर चर्चा हुई और उन बिंदुओं में परिवारवाद भी एक मुख्य बिंदु बनकर के उभरा और साथ ही साथ देश में जो इस वक्त चर्चित मुद्दे हैं उन सारे विषयों पर बात की गई और साथ ही साथ परिवारवाद इसलिए भी खास रहा मुद्दा क्योंकि परिवारवाद को लेकर के कांग्रेस को घेरते और विपक्ष अन्य विपक्षी दलों को घेरते प्रधानमंत्री नजर आए, लेकिन उसके साथ ही साथ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं तक भी ये बात पहुंचाते नजर आए कि बीजेपी द्वारा कभी भी परिवारवाद या वंशवाद को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, उसको समर्थन नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये देश को खोखला करने वाली चीजें यहाँ पर परिवारवाद और वंशवाद होता है। और साथ ही साथ ये भी वो कहते नजर आए कि परिवारवाद जैसी चीजें हमारे देश में नहीं होनी चाहिए और इसी को लेकर के बीजेपी को इसलिए जाना जाता है, उनके द्वारा भी कहा गया कि बीजेपी को इसलिए जाना जाता है क्योंकि बीजेपी में ऐसी कोई चीजें नहीं होती।
और इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ संजय वर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए। संजय, किस तरह की जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा जो बात कही गई है परिवारवाद को लेकर के, जो कटाक्ष किया गया है विपक्षियों पर, उसके बाद उनकी तरफ से कोई रिएक्शन यहाँ सामने आया हो? बिल्कुल, देखिए आज बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई थी, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें परिवारवाद का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। और सीधे तौर पर जो बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है और इसको देखते हुए परिवारवाद से दूर रहना चाहिए। सीधा सीधा एक साफ संदेश दिया गया था सांसदों को, उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों को टिकट अपने परिवार के लिए मांग रहे थे उनको टिकट नहीं दी, उनकी जिम्मेवारी खुद मेरी है, उसको लेकर लगातार जिस तरह से कांग्रेस पे और अन्य दलों पे निशाना साधते हैं परिवारवाद को लेकर, तो उसी को लेकर लगातार अपने संसदीय दल की बैठक में सभी सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही थी। उनका साफ कहना है कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इससे लोकतंत्र कहीं ना कहीं पंगु बन सकता है, इसलिए परिवारवाद से हमेशा दूर रहना चाहिए। इसको लेकर लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, उसको लेकर अब राजनीतिक प्रक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। कुछ जो राजनीतिक दल है उनका कहना है कि परिवारवाद, क्योंकि वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, तो उनका साफ कहना था कि उस तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया है कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से सही नहीं है। तो उसको लेकर कुछ अभी राजनीतिक दलों की जो लगातार जो टिप्पणियां वो भी सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात है, इस महत्वपूर्ण संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें कश्मीर फाइल एक बड़ा मुद्दा भी देख आया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुद्दे को कहीं ना कहीं जनता के सामने छुपाया गया, जो सच्चाई आनी थी वो नहीं आएगा। इस फिल्म के माध्यम से लगातार जो सच्चाई थी एक कश्मीर की वो सामने लाई गई है, क्योंकि कश्मीर को लेकर भी कई तरह के विवाद थे और इसको लेकर जिस तरह से लगातार अब कश्मीर फाइल को लेकर कई टिप्पणियां आ रही है, उसको लेकर प्रधानमंत्री का ये संबोधन भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए कश्मीर फाइल्स को लेकर के पीएम द्वारा भी ये बात कही गई। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि जो इस बैठक से जो बिंदु यहाँ पर सामने आए, फिर चाहे परिवारवाद का हो या फिर कश्मीर फाइल्स का जो जिक्र करते नजर आए वो, इसके अलावा भी कोई महत्वपूर्ण बिंदु इसमें रहा हो? देखिए, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का साफ संदेश था कि आगामी चुनाव है, क्योंकि इसी साल गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने, इसके अलावा 2024 का भी लोकसभा चुनाव है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को जनता के बीच में जाने की सलाह दी और परिवारवाद से दूर रहने की सलाह दी। काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई कि आगे किस तरह की रणनीति तय करनी है, क्योंकि उनके सामने कई समस्याएं हैं देश के सामने, क्योंकि इस समय यूक्रेन और रूस का युद्ध भी चल रहा है, ऐसे में महंगाई की एक बड़ी समस्या सामने आ सकती है। तो इसको लेकर बहुत सारे बिंदुओं पर लगातार जो है उन्होंने चर्चा की। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से देखा जाए ये सारे ही अहम बिंदु रहे। प्रधानमंत्री द्वारा परिवारवाद को लेकर के जो बात कही गई, उससे बीजेपी के अंदर जो कार्यकर्ता है और नेता है उन तक भी एक आगाह पहुंचाते हुए नजर आए। देखिए, बिल्कुल साफ संदेश था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बिल्कुल एक साफ संदेश था कि परिवारवाद से पार्टी बिल्कुल दूर है। अगर परिवारवाद के चलते पार्टी इसमें फंस जाती है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हर जो सांसद है वो अपने परिवार के लिए टिकट मांगेगा। ऐसे में उन लोगों का क्या होगा जो कार्यकर्ता अपनी मेहनत करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसको लेकर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ संदेश था कि परिवारवाद से दूर है और जो भी जनता के बीच सेवा करनी है वो करे। तो साफ संदेश जो था वो पार्टी के सांसदों विधायकों का, ताकि वो अपने किसी परिवार के लिए आगे किसी टिकट की मांग ना करें। और उनका साफ एक उन्होंने संदेश दिया था कि जिन लोगों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में जब चुनाव हो रहे थे तो परिवारवाद को लेकर इस चर्चा हुई थी और कई पारिवारिक जो सांसद थे वो उन्हें अपने बेटों या पुत्रियों के लिए टिकट मांग रहे थे और उन्होंने साफ मना करा उनका, जिन लोगों को टिकट नहीं मिली उसके लिए साफ मैं जिम्मेवार हूं। तो उन्होंने एक साफ गोई से उन्होंने अपने सांसदों को कहा कि जो परिवारवाद है वो कहीं ना कहीं देश के लिए लोकतंत्र के लिए खतरा है। हालांकि जो निशाना था वो पारिवारिक राजनीतिक जो पार्टियां हैं उन पर था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने सांसदों को भी एक साफ संदेश दिया है। जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया।